गाइज वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। तो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो मैं आज आ गया हूँ फतेहपुर सिकरी। संभवतः मैं आप लोगों को फतेहपुर सिकरी के बारे में दो वीडियो में एक्सप्लोर करूँगा। फर्स्ट वीडियो में आप लोग के होगा बुलंद दरवाज़ा, सलीम चिश्ती की दरगाह, जामा मस्जिद, रंग महल और हिरन मीनार। फर्स्ट है बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा यूपी के आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सिकरी शहर में स्थित है। फतेहपुर सिकरी पहुंचने के दो रास्ते हैं, बाई बस के द्वारा आप आ जाओ या फिर बाई ट्रेन के द्वारा। जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो आगरा के आसपास इलाकों में है, तो आप अगर फ्लाइट से आ रहे हैं तो वहां से आपको डायरेक्टली फतेहपुर सिकरी के लिए 80 ऑटो रिक्शा मिल जाता है। बुलंद दरवाज़ा को 1602 में अकबर के द्वारा गुजरात पर विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। बुलंद दरवाज़ा का अर्थ होता है ऊंचा या महान। अपने नाम के अकॉर्डिंग यह विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। बुलंद दरवाजा अकबर के विशाल और वैभवशाली साम्राज्य को प्रदर्शित करता है। सम्राट अकबर ने अपने समय में अनेक भवनों, प्रसादों और राजसभा का निर्माण किया जिनके अवशेष आज भी उपलब्ध हैं, और जो भी सारे अवशेष हैं उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1986 यानी कि 1986 में सम्मिलित किया गया है। बुलंद दरवाजे के पूर्वी तरफ फारसी में शिलालेख अंकित हैं जो 1601 में दक्कन पर अकबर के विजय अवलेख। 42 सीढ़ियों के ऊपर स्थित बुलंद दरवाजा लगभग 53.63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा, यह लाल बलुआ पत्थर से बना है। बुलंद दरवाजे को सफ़ेद संगमरमर तथा काले संगमरमर से सजाया गया है। दरवाजे के आगे और स्तंभों पर कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह दरवाज़ा एक बड़े आंगन और जामा मस्जिद की ओर खुलता है। सम अष्टकोणीय आकार वाला यह दरवाज़ा गुंबदों और मीनारों से सजा हुआ है। दरवाजे पर बना फारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है। बुलंद दरवाजे पर ईसा मसीह से संबंधित कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो इस प्रकार हैं। मरियम के पुत्र यीशु ने कहा, यह संसार एक पुल के समान है, इस पर से गुजरो अवश्य, लेकिन इस पर अपना घर मत बना लो। जो एक दिन की आशा रखता है वह चिरकाल तक आशा रखता है, जबकि यह संसार घंटे भर के लिए ही टिकता है। इसलिए अपना समय प्रार्थना में बिताओ, क्योंकि उसके सिवा सब कुछ अदृश्य है। बुलंद दरवाजे पर बाइबल की इन पंक्तियों की उपस्थिति को अकबर की धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। बुलंद दरवाजे से संबंधित कुछ रोचक तथ्य इस प्रकार हैं। यहाँ की सर्वोच्च इमारत बुलंद दरवाजा है जिसकी ऊंचाई भूमि से 280 फीट है। 52 सीढ़ियों के पश्चात दर्शक दरवाजे के अंदर पहुँचता है। दरवाजे में पुराने जमाने के विशाल किवाड़ ज्यों के त्यों लगे हुए। शेख सलीम की मान्यता के लिए अनेक यात्रियों द्वारा किवाड़ों पर लगवाई हुई घोड़े की नाले दिखाई देती हैं। इसी दरवाजे से होकर शेख की दरवाजे में प्रवेश करें और जामा मस्जिद है और सामने शेख का मजार। मजार या समाज के पास उनके संबंधियों से की कब्रें। 1571 से 1585 तक फतेहपुर सिकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी थी। बुलंद दरवाजे के पास लंगर खाने में खुदाई के दौरान एक सीढ़ी निकली। इसके बाद जब अंदर तक देखा गया तो एक सुरंग मिली। हालांकि खुदाई पूरी होने के बाद ही रहस्य सामने आ पाएगा। ऐसा अनुमान है कि सुरंग का दूसरा सिरा किले के बाहर निकलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि इस सुरंग के जरिए किले से खजाना निकालने का काम होता। मुगलकालीन धरोहर बुलंद दरवाजे के निर्माण में 12 वर्षों का समय लगा था। इसके निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था जिसके अंदरूनी भाग पर सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी की गई है। बुलंद दरवाजे पर लगभग 400 साल पुराने आबनूस से बने विशाल किवाड़ आज भी ज्यों के त्यों लगे हुए हैं। यदि आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि आपको बुलंद दरवाजे देखने जाना है तो उसके लिए सबसे अच्छा टाइम होता है नवंबर से मार्च। बहुत ही सुहाना मौसम होता है और आप उस समय बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। सेकंड नंबर पर आता है जामा मस्जिद और बादशाही दरवाज़ा। बादशाही दरवाज़ा और रॉयल डोर। ये जो बादशाही दरवाज़ा था ये अकबर के प्रार्थना के लिए रिजर्व था। यहाँ पे सिर्फ एम्परर ही मतलब यहाँ से एंट्री कर सकता था। यह जामा मस्जिद का मुख्य दरवाज़ा है। यह पूर्वी तरफ स्थित है। जामा मस्जिद को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित किया गया है। यह 16वीं सदी में बनी हुई एक मस्जिद है और इसको 1571 से 1574 के बीच बनाया गया था। मुगल सम्राट अकबर के द्वारा निर्मित यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। मस्जिद के कुछ डिजाइन सुंदर ईरानी वास्तुकला को दर्शाते हैं। इसके दोनों ओर चम्मत खाना हॉल और जनाना रोजा है। जामा मस्जिद से सूफी शेख सलीम चिश्ती की मजार पर नजर पड़ती है जो कलाकारी का अद्भुत नमूना है। पूरी जामा मस्जिद खूबसूरत नक्काशी और रंगीन टाइलों से सजी हुई है। इसके अलावा यहाँ बादशाही दरवाजा भी है। इसकी लंबाई 165.20 वर्ग मीटर और चौड़ाई
133.60 वर्ग मीटर है। इसके तीन गुंबद हैं, ये लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। इसको इंडो इस्लामिक जो इसकी इसका आर्किटेक्ट है, इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्ट यूज करके बनाया गया है। मस्जिद अकबर के आध्यात्मिक सलाहकार सूफी शेख सलीम चिश्ती के सम्मान में थी। यह शेख के वंशजों के लिए खानकाह यानी कि मठ वाशी स्कूल के रूप में सेवा करने के लिए भी था, लेकिन इसको उस समय सिर्फ उनके फैमिली के लिए खोला गया था। लेकिन अभी जो है 1579 में सबके लिए ओपन कर दिया गया। थर्ड नंबर पे आता है टॉम्ब ऑफ सलीम चिश्ती यानी कि सलीम चिश्ती की दरगाह। जब हम बुलंद दरवाजे की तरफ से प्रवेश करते हैं तो सामने जो संगमरमर का बना हुआ एक दरगाह दिखता है, वही है सलीम चिश्ती की दरगाह। जून 1573 में अकबर ने गुजरात के साथ इस क्षेत्र को भी जीत लिया था। इसका नाम अकबर ने फतेहपुर सीकरी रखा था। अकबर ने इस समाधि का निर्माण संत के सम्मान में 1580 से 1581 के बीच करवाया था। आज यह समाधि वास्तुकला और धर्म निरपेक्षता का अंतिम उदाहरण। समाधि लगभग 1 मीटर ऊंचे संगमरमर पर निर्मित है, जिसका प्रवेश द्वार 5 सीढ़ी ऊपर है। मुख्य द्वार पर 4 खंभे हैं, जिनसे पारंपरिक गुजराती शैली के अत्यंत कलात्मक सर्पाकार शिल्प ऊपर जाते हुए छत को सहारा देते हैं। मुख्य समाधि के चारों ओर संगमरमर की जाली लगाई गई है, जो कि बारीक काम के कारण वह हाथी दांत के समान लगती है। समाधि अर्धगोलाकार गुंबद वाले मुख्य कक्ष में स्थित कुरान और समाधि पर जो है जो उसके चारों तरफ है उसके कुरान के छंद लिखे गए हैं। शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। उन्होंने अकबर और उसके बेटे को आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में सलीम जहांगीर के नाम से पहचाना जाएगा। और आप जब कभी भी सलीम चिश्ती की दरगाह जाते हैं तो उसके आस पास ढेर सारे टॉम्ब बने हुए आपको दिखते हैं। जितने भी टॉम्ब हैं वो सारे जो हैं सलीम चिश्ती के उस समय के रिलेटिव्स थे, उनकी कब्रें हैं, जो कि पूरे अंदर बरामदे से लेकर बाहर कुछ एरिया वहाँ तक फैली हुई हैं, ढेर सारी जगह तक फैली हुई हैं। और दरगाह पर स्टोन की जाली लगी हुई है, सभी जालियों का डिज़ाइन जो है एक दूसरे से डिफरेंट है। आप लोग जब कभी भी फतेहपुर सीकरी आते हैं तो फर्स्ट तो आपको बुलंद दरवाज़ा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। और उसके बाद आप सलीम चिश्ती की दरगाह आते हैं, जो कि संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ आते हैं तो आपको किनारे किनारे पर एक हिंदू और गुजराती जो आर्किटेक्ट का एग्जाम्पल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही शानदार है। आज भी लाखों जो यात्री होते तीर्थ यात्रा पे जाते हैं जो लोग हैं, वो भी अपनी मान्यताएं और कुछ पूरी करने के लिए सलीम चिश्ती की दरगाह आते हैं। जो सलीम चिश्ती थे अकबर के पूज्य हुआ करते थे उस टाइम, और उन्हीं के ही पूर्वज जो है अभी भी जो दरगाह है उसमें रहते। फोर्थ नंबर पर आता है टॉम्ब ऑफ इस्लाम खान। शेख अलाउद्दीन चिश्ती 1517 से 1613 इस्लाम खान चिश्ती के नाम से जाना जाता था। इस्लाम खान एक मुगल सेनापति और बंगाल का सूबेदार था। उसने बंगाल की राजधानी को राजमहल से ढाका स्थानांतरित कर दिया और इसका नाम जहांगीर नगर रखा। मुगल बादशाह जहांगीर ने उन्हें इस्लाम खान के नाम से नवाजा था। इस्लाम खान को सलीम चिश्ती के मकबरे जामा मस्जिद प्रांगण में दफनाया गया। ये सुनकर आशा जैसे करता आग रखे और आग रखने से करता दिल्ली के लिए और दिल्ली के लिए सीधे लाहौर पहुंचता। काफी बड़ी सुरंग अंदर घोड़ों में बैठ जाते बहुत बड़ी सुरंग। ये अनारकली यहीं से गई थी, यहीं से निकाल के लाहौर पहुंचाया था। ओके, और लाहौर पहुंचा के उसकी सारी जान की सारी। फिफ्थ नंबर पे है खानवा का मैदान। यहीं पर बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ था और ये 12 किलोमीटर का रेंज में फैला हुआ है स्थान है। यहीं पे युद्ध किए थे और क्या बोलते हैं, यहाँ से राजस्थान और यूपी का बॉर्डर स्टार्ट होता है। सिक्स नंबर पर है रंगमहल और प्लीजर पैलेस। सम्राट अकबर से शादी के बाद रानी जोधाबाई यहाँ रहा करती थी। रंगमहल में ही सलीम यानी कि जहांगीर का जन्म हुआ था। यही नहीं, रंगमहल लाल पत्थर से बना एक बेहतरीन स्मारक है। इसमें उसके पूर्वज यहाँ रहते हैं। गाइज, मैं आप लोग को लेकर चलता हूँ बुलंद दरवाजे का जो मेन बिल्डिंग है उसके पीछे का जो एरिया है, जो कि अभी खंडहर हो चुका है, बट अभी भी सरकार जो है इस कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। कुछ चीज़ें पहले जैसे स्टेबलाइज करने की कोशिश में है,
और ढेर सारे इम्प्रूवमेंट अभी हो रहे हैं। नॉर्मली पीछे लोग आते नहीं हैं, फिर भी मैं इधर आया हूँ, और क्योंकि मुझको एक्सप्लोर करना है कि पीछे का एरिया और किस के लिए यूज किस चीज़ के लिए यूज करते थे और वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ होती रही होंगी उस समय, वो सारी चीज़ें मुझको। ये सामने जो दिख रहा है ये खानवा का मैदान है। इसके बाद मेरा जो 12 किलोमीटर का रेंज है वो टोटल जो है यूपी और राजस्थान का 12 किलोमीटर के बाद राजस्थान पड़ता है। तो यहीं पे युद्ध हुआ था, खानवा का युद्ध हुआ था। और ये आप लोग जब कोई भी वीडियोस देखे होंगे आप इस फतेहपुर सीकरी से रिलेटेड, तो आप आगे के मेन मेन जो व्यूज होते थे वो सारी चीज़ें देखे होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ। तो खंडहर में आए जिला उद्धार के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार क्या कर रही है और किस तरीके का प्रयास किया जा रहा है कि इसको फिर से उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन कर लिया जाए और फिर से जीवंत किया जाए इसको। अभी तो मैं पहुंच गया हूँ, डर हो रखा है बट इसका मेंटेनेंस चल रहा है, अभी उसको मेंटेनेंस करके ये कुछ बना दिया गया है पहले जैसा सेम डिज़ाइन। ये लेक की तरफ से आने का जो रास्ता हुआ करता था उस टाइम, और इधर ही हाथी घोड़ा और भी जो घुड़सवार हुआ करते थे वो सारे लोगों के रहने का और जो है घोड़ों के रहने का अस्तबल यही सब बना के रखा था, और जो बाहरी आगंतुक होते थे अतिथि होते थे उनके रखने का भी स्थान हुआ करता था। भाई जा किधर रहा नहीं पता, गाइड है जिसको कुछ नहीं मालूम है फिर भी बोलता है, कुछ नहीं बता पाता है तो सारी सुनाता है। यार कोई गली वली है क्या है ये, नीचे देखो जबरदस्त नीचे चला जाए। खंडहर में तब्दील हो, रुक जा रुक जा। सेवंथ नंबर पे आता है हिरण मीनार। हिरण मीनार जो है अकबर का हाथी हुआ करता था जिसका नाम था हिरण, उसकी मेमोरी में इसको बनाया गया था उस टाइम। लेकिन लोग मानते हैं कि उस टाइम जो है एक प्रकार से लाइट हाउस का भी वर्क किया करता है, जो उस समय नाइट में ट्रेवलर थे उनकी हेल्प के लिए ये लाइट हाउस का वर्क करता था। और ये झील की तरफ था, और इधर पे जो है ये टोटल एरिया जो आपको दिख रहा है इधर पे घुड़सवार और जो बाय आगंतुक हुआ करते थे गेस्ट हुआ करते थे इनको ठहराया जाता था, मतलब रात में रुकने का स्थान था, जो कि बहुत ही शानदार है, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग जब भी आइए फतेहपुर सीकरी तो पीछे का जो एरिया है हिरण मीनार के पास जो एरिया है वहाँ पे आपको अवश्य आना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत है। और हिरण मीनार में जो है ना पहले हाथी के दांत लगे हुए थे, लेकिन अभी क्या हुआ उसका रिकंस्ट्रक्शन हो गया है तो उसको अभी पत्थरों से सजाया गया है, उसकी जगह अभी हाथी के दांत उसमें नहीं लगे हुए हैं। हिरण मीनार की हाइट 21.34 मीटर है, और हिरण मीनार जो है ऑक्टागोनल बना हुआ है। एक मान्यता है कि लोग बिलीव करते हैं कि जो हिरण मीनार है उसका टोटल जो है कनेक्शन जो किला है उसके उससे है, और वहाँ से ये लोग क्या होता था कि वो प्राइवेट वॉच के लिए उस समय जो वहाँ की क्वींस हुआ करती थी या फिर वुमेंस हुआ करती थी स्पोर्ट्स बीस्ट फाइट और जो रेसलिंग हुआ करती थी उसको देखने के लिए यूज करते थे। अच्छा बावड़ी कुआ जिसमें नहाया वहा जाता था उस टाइम में पानी सप्लाई करा जाता था।
पानी सप्लाई किया जाता है। अभी इसमें दरगाह, इसमें दरगाह है, दरगाह जैसा कुछ दे रखा है। बाबा, अच्छा बाबा बावड़ी, ओके। अच्छा पानी यही सप्लाई महलों के लिए, अच्छा महलों के लिए पानी यही से निकलता था, ये पीछे की तरफ है। ओके वेरी गुड। यहाँ तो कोई आता भी नहीं होगा यार, मतलब बहुत कम लोग आते हैं जो घूमने वाले। बोलो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके ओके थैंक यू ब्रो। ये तो भाई सुरंग में ही घुसता रहता है भाई, इसमें घोड़े बांधे जाते थे, ये इसमें चारा डाला रहता। अच्छा उसमें घोड़े पानी पीते थे। ओके मतलब एक अस्तबल था उस टाइम का। भाई देखो, ए भाई सबर कर। इसमें पानी पीने का था घोड़ों के लिए। डांस करना चाहिए।